पांच राज्यों के चुनावों में चार राज्यों में कांग्रेस के आगे बढ़त पर ही कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर खुशी मना रहे हैं। इसी खुशी की झलक यमुनानगर में भी देखने को मिली। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत की खुशी में जमकर ढोल बजाए और मिठाई बांटी। वहीं कांग्रेस की जीत पर खुशी का इजहार करने में मेयर का चुनाव लड़ रहे राकेश उसकाका भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पार्टी की जीत पर ढोल की थाप पर जमकर ठुमके लगाए। अपनी खुशी का इजहार करते हुए वो ये कहने से भी पीछे नहीं रहे कि पांच राज्यों के बाद अब पांच जिलों में भी भाजपा को करारी हार मिलने वाली है। पत्रकारों से बात करते हुए राकेश उसकाका ने कहा कि पांच जिले में कांग्रेस के मेयर बनकर जनता को इंसाफ दिलाएंगे। चाहूंगा कि बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जो झूठों की सरकार थी उसका समय आ चुका है। देश को बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए ताकि सभी शहर देशवासियों का भला हो सके। राज्यों के साथ साथ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पांच नगर निगम के चुनाव, पांचों के पांचों नगर निगम चुनाव में भारी महत्व से जीतेंगे और कांग्रेस समर्थित जितने भी पांचों नगर निगम मेयर हैं वो जीत हासिल करेंगे और पार्षद भी जीतेंगे हमारे सारे के सारे। आज की जो खुशी है वो किस प्रकार साझा की जा रही है? आज की खुशी सारे शहरवासी लोगों के बीच में जा जाकर लड्डू बांटकर लड्डू खाकर बधाई देकर सबको मुबारक हो ताकि इस झूठी सरकार से छुटकारा मिल सके लोगों को। लेट हो रहे हैं, लोग उठ जाते हैं, या तो वही प्रोग्राम पे बुला लो इनको। वही खुशी के इस मौके पर भी कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई। जहां तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल की थाप पर झूमते नजर आए तो वहीं तंवर गुट ने इस मौके पर अलग से मिठाई बांटकर इस खुशी को साझा किया। पतम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।